काफी कमाल की वीडियो को लेके। दोस्तों आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक है, वो है अंडर 20,000 में आने वाले काफी अच्छे स्मार्टफोन्स का। दोस्तों मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनमें हमें चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे गाइस ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, सारे स्मार्टफोन्स अपने अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है हमारे यूजेज के ऊपर हमें कैसे यूज करना है। बाकी गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4-5 ऐसे फोन जो आप ले सकते हो अंडर 20,000 की कैटेगरी में, काफी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका क्राइटेरिया बता दूं, क्या किस क्राइटेरिया के ऊपर मैं रख रहा हूं उनको। गाइस सबसे पहले अगर एमोलेड डिस्प्ले है फोन के अंदर तो हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिनिमम होना ही चाहिए, और अगर एलसीडी डिस्प्ले है तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहां पर मीडियाटेक डोमेस्टी 920 मिनिमम होना चाहिए, और अगर क्वालकॉम की बात करूं तो 695 होना ही चाहिए। ये हमारी मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। इसके अंदर अगर बात करते हैं बैटरी की तो 4500 मिलीएम्पीयर की बैटरी होगी, 33 वॉट का मिनिमम चार्जर होगा। इसके अलावा दोस्तों 6GB 128GB का पहला रेट होना ही चाहिए। बाकी गाइस शुरू करते हैं, पर काफी अच्छे स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेके आया हूं। यहाँ पे सबसे पहला आता है OnePlus की तरफ से Nord CE3 Lite 5G, काफी अच्छा स्मार्टफोन है अंडर 20,000 की कैटेगरी में। ये सीरियसली काफी अच्छे से काम करता है। अगर आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड, तो OnePlus एक काफी अच्छा ब्रांड है। इसका फोन आपको मिल जाएगा 6.72 इंच की डिस्प्ले के साथ में, फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 695 मिल जाएगा। यहां पर आपको 8GB 128GB का पहला ब्रांड मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी है, और 5000 mAh की बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। बाकी के दो कैमरा किसी काम के नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, सिर्फ 108 मेगापिक्सल का काम का है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल मिलेगा, और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है क्योंकि LCD डिस्प्ले है। प्राइस की बात करूं तो 19999 का पूरा 20,000 आपको राउंड ऑफ करके पड़ रहा है। अगर आपको OnePlus बहुत पसंद है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको चाहिए काफी ज्यादा ब्राइट स्मार्टफोन तो यहाँ आपके पास आ गया है आइको की तरफ से Z7। ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिलती है 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, जो कि सीरियसली काफी अच्छी बात है। मीडियाटेक डोमेस्टी 920 मिलता है, यहां पर आपको 6GB 128GB का पहला रेट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 44 वॉट का फास्ट चार्जर साथ में मिल जाएगा। इसके साथ में 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है OIS के साथ में, जो कि मुझे काफी ज्यादा बैलेंस्ड और काफी ज्यादा अच्छा लगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है सिमिलर, और इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो 18999 से इसका प्राइस शुरू होता है, और OnePlus के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्द ही। सो अगर आपको एक क्लीन और लाइट वेट फोन चाहिए जो कि सीरियसली UI के मामले में क्लीन हो, तो आप जा सकते हो मोटो के साथ में। मोटो G70 3G एक सीरियसली काफी अच्छा पैकेज है। इसके अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, डोमेस्टी 930 मिलता है। आईक्यू के मामले में थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर 8GB 128GB का पहला रेट आपको मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, और इसमें स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। वैसे मैं आईक्यू में बोलना भूल गया, उसमें इन डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको साइड माउंटेड मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों यहां पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा 50+8, जो कि सीरियसली एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, फिर से क्योंकि डुअल कैमरा सेटअप है, फालतू के कोई कैमरा नहीं लगे हैं। 16 मेगापिक्सल का एज सिमिलर फ्रंट है, और इसका प्राइस काफी ज्यादा अच्छा है, 16999 आपको मिलेगा, जो कि सीरियसली मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। गाइस अगर आप लोगों को चाहिए प्योरली गेमिंग के ऊपर बेस्ड एक स्मार्टफोन तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। ये है रेडमी की तरफ से K50i, जो कि सीरियसली एक गेमिंग स्मार्टफोन है, काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हो इसके अंदर। अगर बात करते हैं यहां पर इसके चीजों की तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आती है, लेकिन इसमें रिफ्रेश रेट जो है वो 144 हर्ट्ज का है, जो कि आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा देने वाला है। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो मीडियाटेक डोमेस्टी 8100 मिलता है, जो कि सीरियसली काफी अच्छी बात है, काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करते हैं यहाँ पर रैम रोम की तो 6GB के साथ में पहला ब्रांड आपको मिल जाएगा, जो कि 128GB के साथ में पेयर किया गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। अगर बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की तो 5080 mAh की बैटरी आती है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर आता है, और स्टीरियो स्पीकर आते हैं, तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ बात करते हैं फिंगरप्रिंट की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और साथ में आपको मिल जाएगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। कैमरा सेटअप मैं कहूंगा डिसेंट है, क्योंकि इसमें एक आपको 2 मेगापिक्सल का भी मिल गया, जो कि ज्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन 64 और 8 जो है वो काफी अच्छा रहेगा। अगर बात करते हैं फ्रंट की तो 16 मेगापिक्सल एज सिमिलर सभी फोन्स में जैसा आ रहा है, और यहां आपको प्राइस पड़ेगा 20
999 का, यानी कि 21,000 के अराउंड पड़ सकता है। लेकिन इसको अंडर 20,000 की कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हो तो ये आपको 18,999 तक मिल सकता है, क्योंकि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप बजट अपना थोड़ा बढ़ा सकते हो तो ये एक काफी अच्छी चॉइस रह सकती है, क्योंकि मुझे डोमेस्टी 8100 मिल रहा है, जो कि सीरियसली काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों लास्ट बात करते हैं हमारी इंडियन कंपनी की तरफ से, लावा अग्नि 2 5G काफी अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे इसका प्राइस जो है बता दूं 21,500 के आसपास पड़ता है, लेकिन इसे ऑफर वगैरह में लोगे तो ये सस्ता पड़ेगा, या फिर अपना आप बजट बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्मार्टफोन जो है वो सीरियसली काफी अच्छा है इस कैटेगरी के अंदर। अंडर 20,000 की कैटेगरी में ये काफी ज्यादा अच्छा फिट बैठता है। दोस्तों इसके अंदर आपको 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, वो भी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सीरियसली काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। साथ में आपको मिलता है मीडियाटेक डोमेस्टी 7050, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है और काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ बात करते हैं रैम रोम की, तो 8GB 256GB का एक ही वेरियंट आता है, जो सीरियसली आपको काफी एनहेंस एक्सपीरियंस देने वाला है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 4700mAh की बैटरी मिलती है, 66W का फास्ट चार्ज मिल जाता है। साथ में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा 50MP 8MP 2MP और 2MP का क्वाड कोर कैमरा सेटअप। अब 2 MP के तो मैं कहूंगा ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन 50 और 8 काफी ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। फ्रंट की वही सिमिलर 16MP का, और प्राइस की बात मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी, 21,500 के आसपास पड़ेगा आपको। लेकिन ऑफर वगैरह लगाओगे, कार्ड वगैरह के ऊपर लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। बाकी अगर आप बजट बढ़ाओगे तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे। अंडर 20,000 की कैटेगरी में काफी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, अगर आप इनमें से कोई लोगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।